डुमरी प्रखंड अंतर्गत अतकी पंचायत निवासी देवचंद्र महंतो का रूपेश एंड सुभाष कंपनी में बीते 28 जनवरी को हिमाचल प्रदेश काम करने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई, जिसकी सूचना पाकर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य दीपक श्रीवास्तव पीड़ित परिवार के घर पहुंचे, परिजनों का ढांढस बंधाया और कंपनी डायरेक्टर से बात कर 12.5 लाख रुपए का मुआवजा करवाए जाने की बात कही। इस दौरान मुख्य रूप से मुखिया प्रतिनिधि राजेंद्र मुंडा, उप मुखिया वासुदेव महंतो, हीरालाल महंतो, 20 सूत्रीय प्रखंड उपाध्यक्ष हेमलाल महंतो, डुमरी से वेद प्रकाश पाठक की रिपोर्ट। डुमरी प्रखंड अंतर्गत अतकी पंचायत के प्रवासी मजदूर देवचंद महंतो का निधन रुपेश एंड सुभाष कंपनी में बीते 28 जनवरी को हिमाचल प्रदेश में काम करने के दौरान हो गई थी। आज उनकी बॉडी जब इनके यहाँ पहुँचा तो हम लोगों ने गया और पीड़ित परिवार से मिला और उनकी कंपनी से बात करके 12.5 लाख रुपए का मुआवजा का भुगतान करवाया और उनकी दो पुत्रियों को भी हम लोगों ने गोद लेने का काम किया। हम उनके परिवार को आश्वस्त करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, जब भी हमारी ज़रूरत होगी हम उनके साथ खड़े नजर आएंगे। और झारखंड सरकार अगर यहाँ पे रोजगार की व्यवस्था करती तो आज यहाँ के मजदूर अन्य प्रदेशों में पलायन करके काल के गाल में नहीं समाते। सरकार से भी हम यह मांग करते हैं कि झारखंड में रोजगार की व्यवस्था करें ताकि यहाँ के गरीब मजदूर यहीं पे काम लें।